ये रहे हमारे श्याम भाई जो टैटू बना के बाहर निकल चुके हैं, और ये रहा इनका टैटू। ड्राइवर मिल गया भाई, थैंक यू भाई। मेरा वीडियो देखते हो? बिल्कुल भाई, सब्सक्राइब किए। हाँ, ये अपने सब्सक्राइबर, इनके इन बॉडी पे बनेगा इंस्टा करना कर्मा गोलू। जय हिंद जय महाराष्ट्र दोस्तों, मैं आपका दोस्त रॉकी राजा, और आप देख रहे हैं रॉकी फकर ब्लॉग। तो अभी मैं हूँ सैम ब्रो के घर पे। तो रास्ते में अभी हम लोग को जाने का मलाड़, तो मलाड़ के लिए हम लोग आगे से पकड़ेंगे रिक्शा। तो सैम भाई हमारे दुर्लभ कसब को गोदी में खिलाए, ये वही भाई है। तो सैम भाई हमको लेके जा रहे। सैम भाई तुम आओगे कि मेरी शादी में? आऊँगा ना भाई। और कितने कौन सी नोट उड़ाना है भाई का चैनल ब्लॉग को? सॉरी, और सब्सक्राइब करो, घंटा जरूर बजाना याद से, सबको एक एक नोट मेरी तरफ से। चलो फ़ोन है जिससे मैं ब्लॉग बनाता हूँ, और इसकी तो हालत देख सकते, टूट गया ये तो। ये महंगा हुआ फ़ोन है, और ये भी सैम ब्रो का फ़ोन है, आईफोन 14 प्रो। कल से जाएगा जॉब पे, और ये पक्का है। तो हमको वहाँ से बस नहीं मिली। सैम भाई का टैटू बना के उनको कर देंगे खुश, वो भी प्रोफेशनल टैटू अपने दोस्त के वहाँ। चलो, तो अभी मैं हूँ रिक्शे में, और रिक्शा मिल गई हमें, तो मैं और सैम भाई जा रहे हैं। कॉर्पोरेट प्लाजा यहाँ से थोड़ा दूर है, हम लोग थोड़ा आगे पहुँच गए इधर दिमाग की तरफ। तो अभी हम लोग सीधा वहाँ जाके आपको मिलते हैं। चलो, तो मैं और सैम भाई अभी है रिक्शे में, और रिक्शा पकड़े हम लोग पहुँच रहे हैं स्पॉट पे, आपको आगे का टैटू वहाँ दिखाएंगे। फाइनली वी रीचेज आवर लोकेशन। तो ये रहा हमारा राम मंदिर, जय श्री राम, और ये हमारा विद्या विकास की गली। तो यहाँ से हम लोग पकड़े 11 नंबर की बस, और यहाँ से चल के सीधा शोरूम, और इसके सामने हम लोग को राइट की गली में जाना है। पहुँच गए अपने लोकेशन पे। भाई से बोलते तो मज़ा आता। तो ये हमारे सैम भाई बैठ गए, अब टैटू बने, अब इनका टैटू बनाने के बाद होगा। अब ये शर्मा रहे क्योंकि ये टैटू बना रहे अपने, बैठ गए टैटू बनाने, ये मिलेंगे टैटू बनाने के बाद। इनके इन बॉडी पे बनेगा इंस्टा करना कर्मा गोलू। ड्राइवर मिल गया भाई, थैंक यू भाई। मेरा वीडियो देखते हो? बिल्कुल भाई, सब्सक्राइब किए। हाँ, ये अपने सब्सक्राइबर, तो भाई ने सही बोला, ये मेरा चैनल सब्सक्राइब किए, और ऐसे भाई इनके प्यार के लिए थैंक यू भाई। हाँ सर, वो नेक्स्ट। तो हमारे सैम भाई का टैटू हो गया आधा कंप्लीट। सैम भाई आए बाहर थोड़ा रेस्ट लेने, और हम लोग जा रहे हैं अभी थोड़ा रेस्ट लेके ब्रेक लेके वापस टैटू। ये रहे हमारे सैम भाई जो टैटू बना के बाहर निकल चुके हैं, और ये रहा इनका टैटू, शो मी द टैटू। ये रहा इनका टैटू, आपका समय तो फिर जाएंगे हम लोग वापस टैटू बनवाने। उससे हो गया है प्यार, और नहीं कर पाए इकरार, और जो उसका मैनेजर था वो सैम भाई को दिया धक्का। हाई गल कीमत ही क्या कहेंगे उसको। तो इसी बात पे